स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेहा की रसोई में। तो आज हम लोग सनई के कोढ़ी की पकौड़े बनाने जा रहे हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए, हमने जो सनई है उसको हमने यहाँ पे ले लिया है, हमारे घर ही में बोया गया था, तो वहीं से हमने इसको शुरू किया और फिर उसके बाद इसको अच्छे से तोड़ के और फिर धो लिया है। धो के यहाँ पे हम लोग रखे हैं। और ये देखिए मिर्च और लहसुन लिए हैं। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए, हमने भगोने में पानी गर्म करने के लिए रख दिया था, तो उसमें सनई को हम लोग डाल के पहले उबाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये जो है सनई, हमने इसको उबाल लिया, तो इसका पानी देखिए दोनों थैलियों के बीच में रख के इस तरह से निकाल लेंगे इसको। यहाँ देखिए हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया है गर्म होने के लिए, और यहाँ पे हम लोग इसमें सारी चीज़ें मिला लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग हल्दी पाउडर डाल देते हैं, स्वाद अनुसार नमक, ज़रा सा इसमें जीरा डाल देते हैं, और इसमें हमने जो मिर्च और लहसुन था उसको हमने पीस लिया, तो उसको हमने इसमें डाल दिया है। और अभी हम लोग इसमें बेसन डालेंगे। और इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो सनई के साग की रेसिपी हमने शेयर की है, और यहाँ पे हम लोग इसके पकौड़े बना रहे हैं। इसके पकौड़े जो हैं बहुत ही अच्छे लगते हैं। देखिए अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिला लिया है, तो हमारा तेल जो है वो भी गर्म हो गया है, तो चलते हैं पकौड़े तलते हैं। तो देखिए तेल जो है हमारा गर्म हो गया, तो हम लोग इसमें एक एक करके पकौड़े डालते हैं। तो ये देखिए अच्छी तरह से हमने तल लिया है, ये हो गया है, तो हम लोग इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए दूसरी आनी भी हम लोग डाल के तल लेते हैं। ये देखिए तल गया है दूसरी बारी भी, तो हम लोग इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारे सनई के फूल की कोड़ी के जो सब पकौड़े हैं वो बनके तैयार हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। ये देखिए मैं एक तोड़ के दिखा देती हूँ, ये देख सकते हैं कितना अच्छा है अंदर से।